आज के वीडियो में आपको बताऊंगा मैंने कैसे CFA लेवल 1 और लेवल 2 दोनों 90% के ऊपर के स्कोर के साथ क्लियर किया। वीडियो सुपर वैल्यूएबल होने वाला है। अगर आपने CFA लेवल 1 ऑलरेडी क्लियर कर दिया है तो लेवल 2 के पार्ट पर स्किप करना, मैंने टाइम स्टैम्प डाल दिया। अगर लेवल 1 देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए सुपर यूजफुल रहेगा, इसको स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना। और वीडियो के एंड पे मैं आपको एक बोनस टिप भी देने वाला हूं जो सिर्फ लेवल 1 लेवल 2 के लिए नहीं बल्कि किसी भी एग्जाम गिवर के लिए एसेंशियल है। ये चीज इंडिया में 99% लोग इग्नोर करते हैं और इसी की वजह से फेल भी होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं लेवल 1 के बारे में। देखिए CFA अगर आपको पता नहीं कि क्या होता है, आइडिया ही नहीं है तो टेंशन मत लो, मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाके आप देख सकते हो। अगर आप इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हो तो आई एम अज्यूमिंग दैट आपको CFA प्रोग्राम के बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज है। अब देखिए अगर हम लेवल 1 के प्रिपरेशन की बात करें तो आपको लेवल 1 को ऐसे अप्रोच करना है जहां आप सारे हैवी सब्जेक्ट्स को पहले रास्ते से हटा दो, क्योंकि देखिए लेवल 1 आपको एक इंट्रोडक्शन देता है टुवर्ड्स CFA। CFA एज यू माइट नो इज अ जनरलिस्ट प्रोग्राम, यानी कि आप फाइनेंस में मोर और लेस कोई भी रोल में अडेप्ट हो सकते हो, इसीलिए लेवल 1 आपको हर एक चीज के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता है। तो देखिए लेवल 1 मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट मेरे लिए था फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब देखिए अगर आप CA कर रहे हो तो ये आपके लिए शायद सबसे इजी सब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का पॉइंट ये होता है कि कंपनीज जो सारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाती हैं, आपने वो देखना है कि ये रिपोर्ट्स सही से बनाई गई है या नहीं। मतलब इन रिपोर्ट्स में ऐसी क्या साइंस आप देख सकते हो कि मैल प्रैक्टिसेस हुई है या कंपनी फ्रॉड कर रही है या कंपनी कुछ अजम्पशंस बहुत अग्रेसिवली कर रही है। तो ये सारी चीजें परखना आपको ये सब्जेक्ट सिखाता है और इस सब्जेक्ट का वेटेज जो होता है वो भी बहुत ज्यादा है। लेवल 1 में ये 13-17% होता है। मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड में किया था एंड मैं पछताया। लेवल 1 में मेरा FSA में जो स्कोर था वो बाकी सारे सब्जेक्ट से कम था, इसीलिए आई वुड सजेस्ट इसको आप से पहले करें। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मेरे हिसाब से इज इकोनॉमिक्स। देखिए लेवल 1 में इसका वेटेज होता है 8-12%। अब अगर आपने इकोनॉमिक्स की डिग्री की है, आपको इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है, तो ये आपके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। लेकिन इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन लेवल 1 जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है वो काफी हेवी है। यहाँ पे इकोनॉमिक्स के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट किया जाता है। सम्स इतने ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स इतने हेवी होते हैं कि आपको इसमें से निकलने बहुत टाइम लगता है और वेटेज कम नहीं है। अब देखिए मैं तो एक इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट था लेकिन उसके बावजूद मुझे ये सब्जेक्ट इतना ईजी नहीं लगा। तो अगर आप इकोनॉमिक्स में नए हो तो प्लीज इसको इग्नोर मत करना। बहुत से लोग इसको एंड के लिए रखते हैं और फिर बहुत पछताते हैं। वंस अगेन जस्ट लाइक FSA यहाँ पर मैंने सेम गलती की, इकोनॉमिक्स को एंड में रखा एंड इकोनॉमिक्स वाज द सेकंड सब्जेक्ट जहां पे मेरा लोएस्ट स्कोर था इन लेवल 1। नाउ कमिंग टू द थर्ड सब्जेक्ट दैट इज फिक्स्ड इनकम। यहां पर भी वेटेज बहुत हाई होता है, 10-12% आपकी पूरी एग्जाम का। इसको इंपॉर्टेंस इसलिए देना है क्योंकि देखिए आप स्टॉक्स के बारे में तो मोर और लेस चीजें जानते हो, लेकिन बॉन्ड्स कैसे वर्क करते हैं इसके बारे में आपको ज्यादातर लोगों को आइडिया नहीं होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटरेस्ट रेट्स जब ऊपर जाते हैं एक क्रेडिट रिस्की बॉन्ड की प्राइस को वो कैसे अफेक्ट करता है, या फिर एक हाई यील्ड और इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड में डिफरेंस क्या है, ये सारी चीजें हमारे लिए नहीं होती है। बॉन्ड मार्केट के बारे में हमें इतनी आइडिया नहीं होती, इसीलिए फिक्स्ड इनकम को भी रास्ते से हटाना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल 1 फिक्स्ड इनकम में आपको सम्स भी दिए जाएंगे, इसीलिए इसको सीरियसली लेना, ध्यान से अच्छे से पढ़ना। नाउ लकीली फिक्स्ड इनकम जो था मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था इन माय लेवल 1। यहाँ पर मेरा बहुत अच्छा स्कोर आया था प्राइमरीली बिकॉज यहाँ पे सम्स थे, मैं कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गया तो ये सम्स भी रास्ते से आसानी से निकल गए। और अब फोर्थ सब्जेक्ट जिसको आपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है दैट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। देखिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट लेवल 1 में मोर और लेस इजी है मेरे हिसाब से। ज्यादातर लोग जो लेवल 1 देते हैं वो भी बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आसानी से निकल गया, तो इसको इंपॉर्टेंस क्यों देना है, क्योंकि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट लेवल 1 में छोटा सा सब्जेक्ट होता है 5-8% वेटेज वाला, लेकिन लेवल 3 में ये ऑलमोस्ट 40% के का होता है। तो आपके लेवल 1 का बेस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो अब तक जो 4 सब्जेक्ट्स हमने डिस्कस किए मैं उनको सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हेवी सब्जेक्ट्स मानता हूं, और इन चारों सब्जेक्ट के वेटेज को अगर आप कंबाइन करो तो मिनिमम 36% से मैक्सिमम 60% का वेटेज आता है। तो मतलब अगर ये 4 सब्जेक्ट्स आप अच्छे से कर लो तो आपकी 1/3 से भी ज्यादा एग्जाम सॉर्ट हो जाती है। अब चलते हैं कुछ इजी सब्जेक्ट्स की तरफ। यहाँ पर आपके बाकी के 6 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं स्टार्टिंग विद इक्विटी जिसका वेटेज है 10-12%। सम्स होते हैं इसमें काफी इजी, मेनली ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स के साथ डील करता है कि अगर आप किसी क्लाइंट के लिए शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो या किसी कंपनी के लिए कर रहे हो तो आपने कौन सी चीजें चेक करनी है एंड सो ऑन। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट कॉर्पोरेट इश्यूअर्स की तरफ। अच्छा खासा वेटेज है 8-12% का। यहाँ पे आप मेनली कॉर्पोरेट फाइनेंस के अराउंड सारे कॉन्सेप्ट सीखते हो, जैसे कंपनीज अपने बजट को कैसे प्लान करती है एंड सो ऑन। मतलब यहाँ पर आपका जो लर्निंग पर्सपेक्टिव है वो कंपनी के साइड से होता है कि कंपनी अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करती है, इसकी भी समझ आपको होनी चाहिए, इसीलिए इसको करिकुलम में इंक्लूड किया गया।
अगर एक प्रोजेक्ट करना है तो कंपनी उसके लिए फाइनेंसेस को कैसे एलोकेट करती है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर सीखेंगे। अब लेवल वन का जो कॉर्पोरेट फाइनेंस सेक्शन है वो बहुत ईजी है, तो इसीलिए इसको मैंने ईजी वाले सेक्शन में डाला है। मैथ्स का वेटेज 8-12% है, लेवल टू में भी सिमिलर वेटेज है, लेकिन लेवल थ्री में तो आपको मैथ्स हैवी नहीं। एंड नाउ कमिंग टू द लास्ट थ्री सब्जेक्ट्स दैट यू नीड टू कवर, सबसे पहला हो जाता है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ पर आप वो सारी चीजें देखते हो स्टॉक्स और बॉन्ड्स के अलावा, जैसे गोल्ड हो गया, रियल एस्टेट, फिर हेज फंड्स हो गए एंड सो ऑन। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स एक रिलेटिवली इजी सेक्शन है, इसको एंड के लिए रख सकते हो। इसके बाद आता है डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स बाकी सारे सेक्शंस के साथ इतना कनेक्टेड नहीं है, लेवल वन में बहुत इजी भी है, लेकिन इसको लाइटली आपको नहीं लेना फॉर लेवल टू। लेवल वन में तो हंसते खेलते डेरिवेटिव्स वाला सेक्शन निकल जाता है, लेकिन लेवल टू में जब वो वापस आता है तब आपको डरा देगा। तो अब डेरिवेटिव्स को लास्ट में रखना है या फ्रंट में रखना है ये आपका डिसीजन है, मैं आप पर छोड़ता हूँ। मेरे हिसाब से आप डेरिवेटिव्स को कहीं भी रखो, लेवल टू के डेरिवेटिव्स बहुत अलग होते हैं, इसके लिए इतना फर्क नहीं पड़ता लेवल वन में आप उसको कब पढ़ रहे हो। एंड फाइनली एथिक्स। देखो जब मैंने लेवल वन की एग्जाम दी थी एथिक्स को सबसे पहले रखा जाता था पोर्शन में, तो मैंने इसको पहले पढ़ लिया था। मैं तो बोलूंगा ये कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम है, एथिक्स को हमेशा लास्ट में पढ़ना, क्योंकि यहाँ पर मेनली रट्टा मारने वाला काम होता है। एथिक्स में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको अप्लाई करनी है, मेनली आपको जो CFA इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस है उनको मेमोराइज करना पड़ता है। तो इसीलिए अगर आप इसको स्टार्ट में रखोगे तो आप एग्जाम आने तक सारी चीजें भूल जाओगे, इसीलिए एथिक्स को लास्ट में रखना। एथिक्स का वेटेज भी बहुत ज्यादा होता है, तो इसको लाइटली मत लेना, लास्ट में रखो लेकिन अच्छे से पढ़ना। तो दोस्तों यहां तक था लेवल वन का प्रिपरेशन। अब मैंने ये एग्जैक्ट ऑर्डर फॉलो नहीं की थी, और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पर कुछ ऐसी चीजें थी जो मैं मानता हूं गलतियां थी, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को मैंने लास्ट के लिए रखा। तो ये मेरे हिसाब से करंट प्रॉपर ऑर्डर है फॉर स्टडीइंग लेवल वन। अब चलते हैं लेवल टू की तरफ। अब लेवल टू के वेट्स की बात करें तो एथिक्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आपके पूरे एग्जाम का 30-45% बनता है। अब देखिए एथिक्स जो है उसको एक सेकंड साइड में रखूं, क्योंकि एथिक्स है ना लेवल वन लेवल टू का पूरी तरह से सेम है। आपको सिर्फ एक ही फर्क होता है, लेवल टू में जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंडिविजुअल क्वेश्चंस नहीं होते, आपको एक पैराग्राफ दिया होता है उसमें एक लंबी कहानी बताई जाती है। अब उस कहानी के बेसिस पे आपने आगे के 3-4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो एथिक्स के मामले में ना सिर्फ यही एक फर्क है लेवल वन से, बाकी हर एक चीज सेम है। आप ऐसी कोई चीज यहाँ पे नई वाली नहीं है जो आप सीख रहे हो। इनफैक्ट लेवल टू के एथिक्स में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लेवल वन में सीखोगे इसको ओमिट भी कर दिया गया है, जैसे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। अब ये क्या है इस पर इतना ध्यान मत देना, लेकिन लेवल टू में वो नहीं है तो चिल करो। लेकिन जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की तरफ आते हैं तब गेम चेंज हो जाता है, ये दोनों सब्जेक्ट्स आपकी ले लेंगे। इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में यहां पर बहुत ज्यादा सम्स है। उतना ही नहीं, आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने होते हैं, यानी कि एज आई डिस्कस्ड अर्लियर यहां पर आपको एक कहानी बताई जाती है। ऐसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के क्वेश्चंस में आपसे बोला जाएगा कि ऐसे सिचुएशन में आप कौन सा डिसीजन लोगे। दिस गेट्स इवन वर्स इन लेवल थ्री बिकॉज आपको वहां पे स्ट्रक्चर्ड रिस्पांस आंसर्स भी देने पड़ते हैं, यानी कि आपको टाइप करके बताना पड़ता है कि मैं होता तो ये करता। और रही बात फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की, तो यहां पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस का प्रॉब्लम आ जाता है, यानी कि ऐसी कुछ कंपनीज होती है जैसे नाइकी जिनके US में ऑपरेशंस है, चाइना में है, वियतनाम में है, इंडिया में है, तो ऑब्वियसली इन सारी कंट्रीज में वो उन कंट्रीज के लोकल करेंसी में पैसे कमाते हैं। तो एज अ US कंपनी वो इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते कैसे, तो यहाँ पर करेंसी कोर्ट्स को लेके आपका दिमाग पूरी तरह घूम जाएगा। इसीलिए मेरे हिसाब से ये जो दो सब्जेक्ट्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये आपके लेवल टू का स्टार्टिंग होना चाहिए। अब देखिए आप या तो यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप मानते हो कि आपकी मैथ्स बहुत वीक है, अगर मैथ्स में आपका मन नहीं लगता तो और 3 सब्जेक्ट्स है जहां से आप अपने लेवल टू की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, डेरिवेटिव्स, फिक्स्ड इनकम और क्वांटिटेटिव मेथड्स। देखिए क्वांटिटेटिव मेथड्स में मेनली सिर्फ इंटरप्रिटेशन का काम है, आप स्टेटिस्टिकल कॉन्सेप्ट सीखोगे ये रिलेटिवली इजी है, लेकिन डेरिवेटिव्स जो है और फिक्स्ड इनकम जो है यहां पर वैल्यूएशन पर एक बहुत इंक्रीज्ड फोकस है, यानी कि जैसे हम स्टॉक्स की ट्रू वैल्यू निकालते हैं वैसे यहाँ पर आप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स ऑप्शंस की वैल्यू निकालोगे, क्योंकि देखिए बहुत से ऐसे फ्यूचर्स और ऑप्शंस होते हैं जो इलिक्विड होते हैं, इनकी वॉल्यूम नहीं होती, तो इसीलिए इनकी सही वैल्यू क्या आएगी ये आप एग्जाम में कैलकुलेट करोगे। यहीं पर अगर हम फिक्स्ड इनकम की बात करें तो भी सेम प्रॉब्लम आता है, बहुत से ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो इलिक्विड होते हैं, कई सारे बॉन्ड्स होते हैं जो किसी एक्सचेंज पे ट्रेड भी नहीं करते, बहुत से बॉन्ड्स में कॉल और पुट ऑप्शंस होते हैं, तो ऐसे बॉन्ड्स को आप वैल्यू कैसे करोगे ये सारी चीजें आप यहां सीखोगे। और लेवल टू में इन सब्जेक्ट्स में बहुत सारे सम्स भी होते हैं, और इसी के साथ इक्विटी भी एक हैवी सब्जेक्ट है जहां पर बहुत से सम्स है, आपको अलग अलग टाइप के शेयर्स को वैल्यू करना होगा, तो इसीलिए चॉइस आपका है। अगर आपको मैथ्स वाले रूट से शुरू करना है तो आप वैसे कर सकते हो, अगर आपको प्योरली वेटेज वाले रूट से शुरू करना है तो आप वैसे भी कर सकते हो,
लेकिन मेरा बोलने का मतलब यह है कि ये जो सारे सब्जेक्ट्स हमने अब तक डिस्कस किए ये सबसे ज्यादा हैवी और इम्पोर्टेंट होंगे फॉर लेवल टू, क्योंकि देखिए लेवल टू में आपको एक लाइन का क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, आपको एक पूरा पेज दिया जाएगा विद एन इलेबोरेट स्टोरी। उस स्टोरी को पढ़ने के बाद आपने उस सिनेरियो के हिसाब से क्वेश्चंस आंसर करने, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, सैंपल पेपर सॉल्व करके ही आप समझ जाओगे कि दो कहानी पढ़ के ही दिमाग थक जाता है। तो जितना ज्यादा स्ट्रांग आप इन सब्जेक्ट्स में होंगे आपका दिमाग एग्जाम के टाइम पे थकेगा नहीं और आप पुश थ्रू कर पाओगे, एग्जाम खत्म कर पाओगे। अब रही बात प्रेपरेशन और उस बोनस टिप की कि मैंने कितने घंटे पढ़ाई की, मैंने कौन से बुक्स यूज किए, मैंने कौन सा स्टडी मटेरियल यूज किया, कौन से ट्यूशन में गया, और फाइनली वो बोनस टिप। देखिए सबसे पहले मैं ऑन एवरेज दिन में 1.5 से 2 घंटे पढ़ता था। मैंने एग्जाम के 2 से 2.5 महीने पहले प्रिपरेशन शुरू की थी फॉर लेवल 1 एंड लेवल 2 बोथ। बुक्स की बात करें तो मैंने CFA इंस्टीट्यूट के बुक्स नहीं यूज किए थे फॉर लेवल 1 एंड 2। यहां पर मैंने श्वेजर नोट्स नाम का एक किताब यूज किया था। देखिए श्वेजर नोट्स भी एक बुक का वॉल्यूम होता है, 6 बुक्स होते हैं, जो एक ऐसी कंपनी बनाती है जो CFA अप्रूव्ड प्रेप प्रोवाइडर है, यानी कि CFA इंस्टीट्यूट ने इनके मटेरियल को देखा है और ऐसा कहा है कि इनके मटेरियल को लेके आप CFA एग्जाम की पढ़ाई कर सकते हो। तो इनके जो बुक्स होते हैं वो बेसिकली CFA की जो किताबें हैं उनका एक कंडेंस्ड वर्जन है, यानी कि उनके नोट्स की तरह मान लो। मतलब अगर CFA की किताबें आपकी टीचर ने सिखाए हुए लेसन है तो जो टॉपर बैठ के नोट्स बनाता है दैट इज श्वेजर नोट्स। अब मैंने CFA की किताबें क्यों यूज नहीं की, दैट इज बिकॉज देखिए मैं मोर और लेस फाइनेंस में बहुत इन्वॉल्व था, आई हैड एन आइडिया ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं नोट्स से डायरेक्टली पढ़ सकता हूं। अब आपकी चॉइस है, आपको चाहिए तो आप CFA की किताबें यूज कर सकते हो, उसके साथ श्वेजर नोट्स कर सकते हो, ये आपका डिसीजन है। अब बात आती है स्टडी मटेरियल और ट्यूशन की। देखिए मैं किसी फिजिकल क्लास में तो नहीं गया लेकिन एक सब्सक्रिप्शन सर्विस का यूज मैंने किया था। इनका नाम है डॉक्टर मार्क मेल्ड्रम। ये स्पॉन्सर्ड नहीं है बट मेरे हिसाब से ये पूरी दुनिया में करंटली सबसे बेस्ट प्रोफेसर है फॉर CFA। इनका रफली $400 का पर लेवल पैकेज आता है जहां पे आपको ये सारे लेवल्स के लेक्चर्स देते हैं रिकॉर्डेड, उसके साथ साथ एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस जो होते हैं CFA के बुक्स में वो भी सॉल्व करना सिखाते हैं, उसी के साथ साथ मॉक एग्जाम्स प्रोवाइड करते हैं, और अगर आप चाहो तो आप उनके साथ प्राइवेट ट्यूटरिंग भी ले सकते हो। अब मैंने तो प्राइवेट ट्यूटरिंग नहीं ली थी लेकिन उनका जो मटेरियल था वो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा सफिशिएंट था। इनफैक्ट उनके जो सारे लेक्चर्स होते हैं वो मोर देन 100 आवर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, तो जब आप ये सारे लेक्चर्स देखोगे आपको एक अच्छा खासा आइडिया आ जाएगा कि वहां पर क्या चल रहा है, बुक आपको क्या बोलना चाहता है। $400 मतलब रफली 35,000 रुपीज आते हैं। अब यही चीज अगर आप क्लास जाते हो तो वहां पर आपको अप्रोक्सीमेटली 50,000 से 70,000 रुपए का खर्चा आएगा, डबल हो जाता है। अब आप बोल सकते हो कि क्लास में पढ़ने का एक्सपीरियंस अलग होता है, आई अग्री, लेकिन मेरे लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स काफी थे। अगर आप मुझसे पूछो तो मैं सजेस्ट करूंगा गो फॉर दिस, बिकॉज ट्रूली ये जो आपको सिखा रहे हैं उनको उसकी 100% समझ है, तो वो इंश्योर करते हैं कि ये 100% समझ आपको भी आ जाए। मतलब मैं तो बोलूंगा मैं मार्क सर से लाइफ में आज तक कभी नहीं मिला हूं, मैंने उनसे कभी बात नहीं की लेकिन मैं उनको अपना गुरु मानता हूं। और अब फाइनली वो बोनस टिप जो मैं आपको देने वाला था, प्लीज इस चीज को इग्नोर मत करना, ये लिटरली आपके एग्जाम को मेक और ब्रेक कर सकता है, सिर्फ CFA ही नहीं बल्कि कोई भी एग्जाम जो आप इंडिया में दोगे, एंड दैट इज इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। अगर आपको भाषा में ही प्रॉब्लम हो जाता है समझने में कि एग्जाम में आपको क्या पूछा जा रहा है तो लिटरली आप वहां पर ब्लैंक हो जाओगे। देखिए इंडिया में भी बहुत से बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम क्यों आता है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम जो होता है उसकी भाषा वो ढंग से समझ नहीं पाते। अब देखिए CFA में भी अगर आपकी इंग्लिश वीक है आप लेवल 1 तो क्लियर कर लोगे क्योंकि एक एक लाइन के सवाल आते हैं, लेकिन लेवल 2 में जब आपको एक पूरा पेज पढ़ना है कहानी का, अगर आप प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में डाल दोगे तो लिटरली आपके पूरे क्वेश्चन पर प्रॉब्लम आ जाएगा। मेरे हिसाब से ये सबसे अंडररेटेड एडवाइस है, आपको अच्छे से इंग्लिश आना चाहिए टू गिव एनी एग्जाम इन इंडिया, क्योंकि आपको सवाल ही समझ नहीं आया तो आप जवाब कैसे दोगे। आप अपने आप से पूछो कि क्या मैं अपने इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग को लेके कॉन्फिडेंट हूँ। अगर आपको लगता है यस तो बिंदास रहो, अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश बहुत वीक है तो प्लीज एक इंग्लिश स्पीकिंग वाला क्रैश कोर्स ले लेना ताकि आपकी एग्जाम की जर्नी स्मूथ हो जाए। एंड यस एक और चीज, अगर आप मार्क मेल्ड्रम सर की सब्सक्रिप्शन लेते हो फिर तो आपको इंग्लिश अच्छे से आनी ही चाहिए, क्योंकि मार्क सर हिंदी में नहीं पढ़ाते, वो कनेडियन है, वो पूरा A to Z आपको इंग्लिश में ही सिखाएंगे। Anyway, दोस्तों ये वीडियो था मेरे CFA लेवल 1 और लेवल 2 के जर्नी के बेसिस पे एक ऑप्टिमल स्टडी ऑर्डर के ऊपर। इस वीडियो में मैंने आपको वो भी सारी चीजें बताई जो गलतियां थी जो मैंने की, ताकि आप ये सेम मिस्टेक्स रिपीट ना करो। Anyway, आपको क्या लगता है, कोई सजेशन या कोई और ऑप्टिमल ऑर्डर जो लोग फॉलो कर सकते हैं कमेंट्स में मुझे बताइए। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए अगर आप एग्जाम के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो तो, और इस एग्जाम को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जो CFA में इंटरेस्टेड है या फाइनेंस में इंटरेस्टेड है। और अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।